ओवैसी को कहा जाता है, सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं और जो है ये पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, ये जो है नॉन मुस्लिम को जोड़ते नहीं। क्यों सबको जोड़ते हैं? मेरा नाम मायावती पांडे है, मैं खुद ही इस पार्टी में हूँ और ये तो सबके लिए बात करते हैं, जो भी गरीब है चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। आपने बोर्ड पे भी देखा होगा शोषित और वंचितों लिखा हुआ है करके, कि चाहे वो किसी भी धर्म का हो किसी भी जात का हो, शोषित और वंचितों के लिए ये काम करते हैं। और आपने भी सुना होगा, ये कोई बनावटी बात नहीं है, कि सड़क से लेकर और संसद तक यही जो है आवाज़ उठाने वाले हैं, दूसरे कोई भी नेता इनके बारे में जो शोषित है या वंचित है या गरीब है कोई भी नहीं उठाता है। तो फिर मुस्लिम हिंदू विरोधी का आरोप क्यों लगता है? तो पार्टी है, पार्टी तो अपना सब उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी बोलेंगे, अभी क्या करिएगा उसके लिए। आपने बलिया का जिक्र किया, मऊ का जिक्र किया, मुख्तार अंसारी का परिवार भी समाजवादी पार्टी जो है। आपको मैं बता दूं, अतीक अहमद अभी झाकी हैं, मुख्तार और आजम खान अभी बाकी हैं। मुख्तार का परिवार तो समाजवादी पार्टी। इब्तदाई इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या, अभी शुरुआत हुई है, अभी इब्तदा हुई है, इंतहा जब होगी तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। आजम खान आएंगे, आएगा वक्त, आप खुद हमको बताएंगे पत्रकार महोदय कि कौन आया और कौन गया। कि उत्तर प्रदेश में 21.6% जो है मुसलमान, 7% यादव, आप बताइए 7% यादव और 21% मुसलमान, दोनों की वोटों का जब आप कॉम्बिनेशन आप करें या उस पर अध्ययन करें तो आपको क्या लगता है कि हमारी हिस्सेदारी माकूल मिली? 7% वाला जो है उत्तर प्रदेश में जो है हमारे वोटों से जो है इक्तदार में आता है और हम पर सियासत करता है, क्या हमको मुख्यमंत्री बनने का हक नहीं है? अब हिस्सेदारी की बात करते हैं, समाजवादी से सोचते हैं कि वो गठबंधन करें, पीस पार्टी है, आरयूसी है, उससे गठबंधन। आपको मैं बता दूं, हम गठबंधन की बात नहीं करते। अगर जो किसी को हमसे गठबंधन करना है तो हमारा यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का दरवाज़ा खुला है। अगर जो वास्तव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के लोग जो हैं इस जालिम सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगर जो उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में रोकना चाहते हैं तो उन्हें जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ ही नहीं बल्कि तमाम उन छोटे दलों को जो जिनकी विचारधारा सेकुलर है, जिनकी ये सोच है, जिनकी ये धारणा है कि हम इस जालिम सरकार को, इन फिरौनी सरकार को, इन ब्राह्मणी और तंसीय सरकार को रोकेंगे, उन सबको आज एक मंच पर आना चाहिए। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं छोटे दलों का जो है हम स्वागत करते हैं अगर हमारे साथ आते हैं। हमारा भी दरवाज़ा उनके लिए खुला है, हमारे कायद ने कहा कि जो है दो टेबल लगेगा, एक टेबल पर सामने वो बैठेंगे और एक टेबल पर हम बैठेंगे, बात आमने सामने आंखों में आंख डालकर होगी, गुपचुप तरीके से बात नहीं होगी। अगर हम इस वक्त जो है बाराबंकी में है, बाराबंकी में असदुद्दीन ओवैसी की सभा हुई थी और इस वक्त मेरे साथ AIMIM कार्यकर्ता, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 100 सीटों पर लड़ने की बात कही है, सेकुलर पार्टी कह रही है वोट कटवा है, वोट काटने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आज की रैली पर? मेरा नाम वकील अहमद, जिला संगठन मंत्री, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आपका सवाल है कि अवैसी वोट कटवा है, जो लोग अवैसी के ऊपर वोट कटवा का तोहमत लगाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव अपनी अलग पार्टी बना करके वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या वो वोट नहीं काटते हैं? या फिर दिल्ली से आकर के अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते, क्या वो वोट नहीं काटते? सिर्फ अवैसी ही क्यों वोट काटते हैं? अगर यादव का वोट मुलायम सिंह को नहीं मिलता तो मुसलमान को मिलना चाहिए ना, जब यादव का नहीं है तो मुसलमान की तरफ आएगा ना। आज अखिलेश यादव को यादव का सहारा नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव को मुसलमानों का सहारा है, वो मुसलमानों की ही वोटों से जीतते हैं ना कि यादव की। और जो मुस्लिम वोट अखिलेश यादव के पास जाता है लेकिन उनका जो वोट होता है वो कन्वर्ट होकर के बीजेपी में चला जाता है। आज आप देखिए रुदौली विधानसभा से जब एक यादव प्रत्याशी उतारा गया, उनके सामने मुस्लिम प्रत्याशी थे जिनका नाम रुद्दि मियां था समाजवादी से, लेकिन किसी ने यादव को वोट दिया? सबने यादव मुसलमान ने, मतलब जो प्रत्याशी थे बीजेपी से यादव, उनको सार जिताया गया और जो मुस्लिम कैंडिडेट थे समाजवादी के वो नहीं जीते रुद्दि मियां। तो यहाँ से क्या जाहिर होता है कि कि यादव जो है बीजेपी को वोट देते? जी बिल्कुल, यादव बीजेपी को वोट नहीं जीते तो देते तो रुद्दि मियां क्यों हारते? अच्छा शिवपाल अपनी पार्टी बनाई चुनाव लड़ते हैं, केजरीवाल की पार्टी और भी पार्टियाँ चुनाव लड़ रही हैं, उनको जो है वोट कटवा नहीं कहा जाता, AIMIM को क्यों? देखिए AIMIM को वोट कटवा क्यों कहते हैं, क्योंकि मसला ये है वोट कटवा हम लोग नहीं हैं, वोट कटवा तो बीजेपी है और समाजवादी है, कांग्रेस है, बसपा है, इनके ऊपर इल्ज़ाम क्यों नहीं लगाते हैं? वोट कटवा ये भी तो हैं, इल्ज़ाम क्यों नहीं लगाए जाते हैं? कहीं बालेश्वर असदुद्दीन ओवैसी साहब की UP में कहीं एंट्री हो जावे, सीधा निज़ाम इल्ज़ाम क्या लगता है कि वो वोट काटने जा रहे हैं? ओवैसी को कहा जाता है सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं और जो है ये पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, ये जो है नॉन मुस्लिम को जोड़ते नहीं। क्यों सबको जोड़ते हैं? मेरा नाम मायावती पांडे है,
मैं खुद ही इस पार्टी में हूँ, और ये तो सबके लिए बात करते हैं, जो भी गरीब है चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। आपने ये बोर्ड पे भी देखा होगा शोषित और वंचितों लिखा हुआ है करके, चाहे वो किसी भी धर्म का हो किसी भी जात का हो, शोषित और वंचितों के लिए ये काम करते हैं। और आपने भी सुना होगा, ये कोई बनावटी बात नहीं है, कि सड़क से लेकर और संसद तक यही जो है आवाज़ उठाने वाले हैं, दूसरे कोई भी नेता इनके बारे में जो शोषित है या वंचित है या गरीब है कोई भी नहीं उठाता है। तो फिर मुस्लिम हिंदू विरोधी का आरोप क्यों लगता है? तो पार्टी है, पार्टी तो अपना सब उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी बोलेंगे, अभी क्या करिएगा उसके लिए? हिंदू विरोधी नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कहाँ है हिंदू विरोधी बताइए, कहीं इन्होंने इनके कहने पे कहीं हिंदू मुस्लिम राइट हुआ हो, कहीं हुआ है? आप बताइए, एक भी राइट हुआ? कहते हैं समाजवादी पार्टी वाले, कहते हैं कांग्रेस वाले, कहते हैं कि ये जो है बंटवारे की राजनीति करते हैं। तो जिनको अगर मान लीजिए दर्द होगा खाने में तो क्या करेगा वो, तो नुकसान करेगा ना उनको। अभी इनको दर्द हो रही है, अभी तक इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं बोला था। सबका नेता होना चाहिए। मुलायम सिंह किसके नेता है बताइए? यादव के नेता हैं। मायावती किसके नेता हैं? तो क्या इन लोगों का कोई नेता नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए अपना नेता, ये तो नेता बनाने के लिए यहाँ पे आएंगे, भाई नेता बनाइए। अच्छा, तो मुस्लिम लीडरशिप की जब सवाल उठता है तो फिर क्यों जो है कोहराम मचता है और मीडिया जो है शोर शराबा करने लगता है? देखिए, सोचने वाली समझने वाली बात है, कोई सबका ये मतलब अधिकार है पूछने के लिए, और सभी लोग पूछते हैं अपने अपने हिसाब से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई हिंदू विरोधी नहीं है, कोई मतलब ये नहीं है, सबके लिए बराबर है। ये लड़ते हैं किसी के लिए, हक और हकूक के लिए सबके लिए लड़ते हैं, ये नहीं कि हिंदू के लिए लड़ते हैं या मुसलमान के लिए लड़ते हैं, ऐसा कुछ। 100 सीटों पर लड़ रहे हैं कहा जा रहा है कि जो है बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाएं, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि अभी सपा को भी डर लग रहा है, आज तक वो लोग वोट लेते आए हुए हैं, अभी उनको वोट नहीं मिलेगा तो क्या बोलेंगे वो लोग? वो तो तोड़ने के लिए बी टीम ही बोलेंगे ना। ओवैसी को जो है बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, क्या बीजेपी की बी टीम नहीं है? हाँ। कौन बोलता है बीजेपी की बी टीम बिल्कुल नहीं है? हाँ। ये तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। तो कौन है बी टीम? कोई नहीं है बी टीम। हाँ। बी टीम बीजेपी की कौन है? हाँ। बीजेपी का बी टीम कोई नहीं है, सब लोग अपना अपना चुनाव लड़ रहे हैं, अपने अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, सबको लड़ने का अधिकार है संविधान के अनुसार। क्या कहना चाहते हैं? मैं बलिया का जिला अध्यक्ष और मायापति पांडे जी जो है हमारे बलिया जिला के संगठन मंत्री हैं, और हमारे शमीम साहब जो हैं हम लोगों के सरपरस्त हैं, और बलिया मऊ और गाजीपुर के प्रभारी हैं। आपने बलिया का जिक्र किया, मऊ का जिक्र किया, मुख्तार अंसारी का परिवार अभी समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। आपको मैं बता दूं, अतीक अहमद अभी झाकी हैं, मुख्तार और आजम खान अभी बाकी हैं। मुख्तार का परिवार तो समाजवादी पार्टी में चला गया। इब्तदाई इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या, अभी शुरुआत हुई है, अभी इब्तदा हुई है, इंतहा जब होगी तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। आजम खान आएंगे? आएगा वक्त, आप खुद हमको बताएंगे पत्रकार महोदय कि कौन आया और कौन गया। आजम खान पे खूब सियासत कर रही है IMIM। आपको मैं बता दूं, हम आजम खान साहब इस वक्त परेशानी में मुबतला हैं। हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लोग, हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब हाजी शौकत अली साहब, जनता की हर उस गरीब शोषित पीड़ित जनता की आवाज़ हैं। आजम खान भी आज जो है शोषित हैं, उनका भी शोषण किया जा रहा है। आप बताइए, जितना समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव का खून पसीना बहा था, क्या उतना पसीना जो है आजम खान का नहीं बहा था? आज आजम खान साहब जेल की सलाखों के पीछे हैं। आज समाजवादी पार्टी का ना तो तहसील स्तर का कार्यकर्ता और ना ही राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का नेता जो है सड़कों पर ना तो आंदोलन करता है और ना ही वो जो है सदन में उनकी बात को करता है। आखिर क्या गुनाह है, क्या वजह है, क्यों नहीं करता? गुनाह ये है कि वो मुसलमान हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और तमाम नाम सेकुलर पार्टियाँ जो हैं हम मुसलमानों को जो है अपना हलवाहा समझती हैं। जब हम लोग हिस्सेदारी की बात करते हैं तो उनको सांप सूंघ जाता है। 63 जो है विधायक चुने गए थे। आपको मैं बता दूँ किस तरह की समाजवादी पार्टी की? आपको मैं बता दूं कि हमारी 2011 की जब जनगणना का आप मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में 21.6% जो है मुसलमान है, 7% यादव है। आप बताइए, 7% यादव और 21% मुसलमान, दोनों की वोटों का जब आप कॉम्बिनेशन आप करें या उस पर अध्ययन करें तो आपको क्या लगता है कि हमारी हिस्सेदारी माकूल मिली? 7% वाला जो है उत्तर प्रदेश में जो है हमारे वोटों से जो है इक्तदार में आता है और हम पर सियासत करता है, क्या हमको मुख्यमंत्री बनने का हक नहीं है? अब हिस्सेदारी की बात करते हैं, समाजवादी से सोचते हैं कि वो गठबंधन करे, पीस पार्टी है, RUC है, उससे गठबंधन आपको क्यों? मैं बता दूं, हम गठबंधन की बात नहीं करते। अगर जो किसी को हमसे गठबंधन करना है तो हमारा यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का दरवाजा खुला है। अगर जो वास्तव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के लोग जो हैं इस जालिम सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगर जो उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में रोकना चाहते हैं तो उन्हें जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ ही नहीं बल्कि तमाम उन छोटे दलों को जो जिनकी विचारधारा सेकुलर है, जिनकी ये सोच है, जिनकी ये धारणा है कि हम इन जालिम सरकार को, इन फिरौनी सरकार को, इन रावणी और कंसीय सरकार को रोकेंगे, उन सबको आज एक मंच पर आना चाहिए। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं छोटे दलों का जो है हम स्वागत करते हैं अगर हमारे साथ आते हैं। हमारा भी दरवाज़ा उनके लिए खुला है। हमारे कायद ने कहा
कि जो है दो टेबल लगेगा, एक टेबल पर सामने वो बैठेंगे और एक टेबल पर हम बैठेंगे, बात आमने सामने आंखों में आंख डालकर होगी, गुपचुप तरीके से बात नहीं होगी। अगर जो वास्तव में वो भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दरवाज़ा खुला हुआ है।